मैं यहां उपस्थित आप सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और भोजपुरी में सबका गोड़ लगत है, हाथ उठा के आशीर्वाद दे जा लोग। भारत माता की, भारत माता की। भोजपुरी में बतियाई तो कोनो दिक्कत ना है, काहे कि हम कहीं जाइला तो यह कहिला कि भाई तरक्की करे खातिर के हर भाषा सीखे के चाहिए, कोनो दिक्कत ना है, तो के आगे बढ़े के तरक्की करे के तो हर भाषा सीखा, लेकिन रैया चाहे दिल्ली बम्बे चाहे रैया मसूरी में लिखिया पढ़िया कोनो भाषा बतिया भोजपुरी में। देश के प्रधानमंत्री हो लेकिन उनके मालूम है कि हमार माई बहन जब खाना बनावे नहीं लोग तो धुआं से उनकी आंख खराब हो जाला, तबीयत खराब हो जाले, तो सोचो ना व्यवस्था कहीं ना कि ना सबके गैस कनेक्शन दिवागा कोनो माई बहन का हमारी आंख खराब ना हो। एक अलावा हमारे माई बहन लोग के सबके तकलीफ रह, इज्जत घर ना रह, शौचालय ना रह, सबके बनवा देना। ऐसा प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबन के दुख तकलीफ को समझबे गई ना, हमारे देश के भी बहुत मजबूत बनाओ। पूरे दुनिया में केहू के अंदर आज ताकत ना हो कि हमारे हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देख ले, ऐसा प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री बनावल चाहत हूं, कैसे बनेगा भैया? तो कहना कि हम और बहन जी दोनों जाने मिल जाए जी और मिल के नरेंद्र मोदी जी के रोक दे जी। तो हम कहने की जब दू जाने मिल के एगो ईमानदार प्रधानमंत्री के रोकल चाहत हुआ तब निरहुआ के आजमगढ़ चले के पड़ी। हम कहने बंद करा लो वो भैया सूटी, अब बाद में वही अभी अखिलेश भैया के हमके बतावे के पड़ी कि तू आप बहन जी दू जाने मिल के सोचत हुआ कि रोक ले बात, तो हम लोग के पता है ना कि गठबंधन खाली तो हम लोग को बोल है जनता के नाम है कि जब कोनो लोग चाहत हुआ लोग ना, तो जब कोनो लोग चाहत हुआ तो तुम लोग के रोकी के तुम्हारा लोग का साथ देवे खातिर हम हूं आ गए। हम कहने के भैया तुम लोग दो जाने साथे हुआ और तू कहत हुआ कि हम नरेंद्र मोदी को आने नहीं देंगे, तो के पता ना हमारे साथ पूरा आजमगढ़ है देख लिया, हम नरेंद्र मोदी को जाने नहीं देंगे। यहाँ का बच्चा बच्चा तू करत हुआ राजनीति जात वाली, लेकिन हम ना कलाकार का कोनो जात ना होला, कलाकार का कोनो धर्म ना होला, ये कहीं धर्म है मानवता इंसानियत, और हमरे खातिर कोनो जनता हुआ आराम से बैठा भैया देखा कोनो लड़का गिरे ना, कोनो जनता होगा कि हम जैसे निरहुआ हिंदुस्तानी बन गए ना, हम चाहते हैं कि पूरा आजमगढ़ भी निरहुआ हिंदुस्तानी बन जाए। और जब प्रधानमंत्री जी देश का फिर से प्रधानमंत्री बने तो श्री नरेंद्र मोदी जी के पता होके के चाहिए कि आजमगढ़ का हर जाति हर धर्म हर बिरादरी का लोग सब केहू कंधा से कंधा मिला के नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा। देश के खिलाफ केहू जाला तो फीलिंग में तो हम छोड़बे ना करीला, यहाँ छोड़ हम आए देखले वालों हमारे देश के विरोध में केहू आवला तो के कहा ना दौड़ा के मारीला, तो फीलिंग में छोड़बे ना करीला तो हम लोग यहाँ सोचत हुआ कि हम छोड़ब खेद के सबके घरे पहुंचा दे रहा हूं। बस तुम लोग इतना करिया कि दो लाइन गाना गावत है, हाँ। और ये गनवाना तुम लोग सीख लिया
दोस्त मित्र के छूट गल घाम लगत रह कटिया दुनिया के दिन बाके ना बोलो के जाके सुना दिया लो दुनिया लाइन सीखला और हमार माता बहन लोग भी सीख ला लो दोनों लोग सखी सहेली जेकर ना आई लो यहाँ बेटा यहाँ तो सिखा दिया चाची तू सीख ला दो लाइन करिया सोच के मत दनवो आजमगढ़ के लो आजमगढ़ के लो हमरे आजमगढ़ के लो सुना देश के लो और अगर गलती का जरा लो भैया तो देशवा बेच दी है बेईमानवा सुना देश ऐसे बढ़ के कुछ ना होला सब बाटे बेकार और देश के हित में किसानन के हित में जवानन के हित में हमरे भैया लोग के हित में हमरे बहनी लोग के हित में एक बार फिर से मोदी सरकार निरहुआ कहले सुना देश के लिए सब केहू तैयार है ना तो एक बार हमारे साथ जयकारा लगावा लो भारत माता की।